इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में बढ़े हुए शुल्क को वापस लेने के संबंध में। महोदया, आपको अवगत ही होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने से, विशेषतः ग्रामीण परिवेशों से छात्र छात्राएं अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए यहां पर करियर डेस्टिनेशन के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने के उपरांत दाखिला लेते हैं। उल्लेखनीय है, पिछले वर्षों में कोरोना जैसी वैश्विक आपदा में आय के साधन या तो समाप्त हो गए हैं या अत्यंत ही सीमित हैं। ऐसे में जहां छात्र छात्राओं को अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए शुल्क माफी होनी चाहिए थी, वहां पर कई गुना शुल्क वृद्धि उनके उज्जवल भविष्य की राह में एक कठिन चुनौती के साथ साथ अमानवीय व प्रशासन निर्मित बाधा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में व्यय नहीं निवेश माना जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही देश के विकास में और राष्ट्र के विकास में सहायक हो सकता है। इस प्रकार कई गुना शुल्क वृद्धि समाज और राष्ट्र की प्रगति में बाधा है। संदर्भ की सुविधा के लिए पूर्व शुल्क और बढ़े हुए शुल्क की तालिका में प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्टूडेंट यूनियन के लिए पहले 10 रुपये लिया जाता था, आपने 50 रुपये कर दिया। कल्चर एक्टिविटी के लिए 20 रुपये लिया जाता था, आपने 200 कर दिया। आइडेंटिटी कार्ड के लिए 20 रुपये लिया जाता था, आपने 200 कर दिया। एथलेटिक्स खेल के लिए 10 रुपये लिया जाता था, आपने 250 रुपये कर दिया। गरीब छात्रों के लिए 50 रुपये लिया जाता था, आपने 100 रुपये कर दिया। लाइब्रेरी के लिए 100 रुपये लिया जाता था, आपने 500 रुपये कर दिया। डेवलपमेंट के नाम पे 100 रुपये लिया जाता था, आपने 1000 कर दिया। हेल्थ केयर सेंटर के लिए आपने 50 रुपये कर दिया। और इनरोलमेंट के लिए जो कि शुल्क नहीं लगता था, आपने 400 कर दिया। ट्यूशन फीस के लिए 180 रुपये लिया जाता था, आपने 600 कर दिया। एक्स्ट्रा फीस जो कि 1000 थी, आपने 1500 कर दिया। उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियों के प्रकाश में आपसे आग्रह है कि बढ़े हुए शुल्क को तत्काल वापस लेने का कष्ट करें, यही छात्र हित में और राष्ट्र हित में होगा। और यदि शुल्क वापस नहीं लिया गया तो छात्र छात्राएं आंदोलन करने के बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।